नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं निसन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। अयोध्या राजकरण हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। राजकरण की हत्या उसकी बेटी ने अपने जीजा के साथ मिलकर की थी। पूछताछ में बेटी ने अपने पिता के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्यारोपित बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल उसका जीजा भी फरार बताया जा रहा है। राजकरण का 3 दिन पहले शव मिला था। गला रेत कर हत्या की संभावना व्यक्त की जा रही थी। मामले पुलिस जांच में जुटी थी। संदेह होने पर पुलिस ने जब राजकरण की बेटी क्रांति से पूछताछ की तो मामले से पर्दा उठ गया। क्रांति ने बताया कि वह अपने जीजा धर्मराज से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उसके पिता ने उसका रिश्ता ग्राम गोकुला में तय किया था, जहाँ वह शादी नहीं करना चाहती थी। जीजा के कहने पर उसने अपने पिता की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व रक्त रंजित सलवार को बरामद कर लिया। आपको बता दें, खंडासा थाना क्षेत्र के गांव नंदोली के मजरे नयापुरवा में 19 जनवरी की रात हुई इस वारदात का जिला पुलिस ने खुलासा किया। एसपी ग्रामीण एसके सिंह ने बताया कि पुलिस इस सनसनीखेज ब्लाइंडर मर्डर को सुलझाने के लिए सर्विलांस का सहारा लिया और तफ्तीश शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक की पुत्री क्रांति का अपने सगे जीजा धर्मराज से प्रेम प्रसंग चल रहा है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि इस बात को लेकर परिवार में विवाद भी हुआ था और बेटी के अपने जीजा से नाजायज संबंधों से आजीज मृतक राजकरण ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगंज थाना क्षेत्र के गोकुला निवासी एक युवक के साथ तय कर दिया था। रिश्ता तय किए जाने के बाद उस युवक को भी धमकी भरे फोन आ रहे थे और शादी से इनकार कर देने की धमकी दी जा रही थी। खंडासा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह की टीम ने कड़ियों को जोड़कर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो तार मृतक की पुत्री से ही जुड़ते नजर आए। लगभग 45 साल के बाद पुलिस ने क्रांति को उसके घर पर गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने वारदात कबूल लिया और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल, खून लगा चाकू और खून लगा सलवार बरामद कर लिया। हथियार से रेत कर जनवरी को थाना खंडासा अंतर्गत ग्राम नंदौली में एक लगभग 45 साल के की रात में सोते समय हत्या हो गई थी। उसका गला किसी धारदार हथियार से रेत कर उसकी हत्या हुई थी और तत्काल इसकी सूचना मिलते ही थाना खंडासा पर इसका हत्या के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। और चूंकि ये केस पूरी तरह ब्लाइंड था, इसलिए इसको वर्कआउट करना, इसका अनावरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन थाना प्रभारी खंडासा और क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर और उनकी टीम द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए अथक परिश्रम किया गया और तमाम सबूतों और साक्ष्यों के संकलन के बाद इस घटना का अनावरण कर लिया गया है, जिससे यह तथ्य सामने आए कि जो मृतक राजकरण था वह काफ़ी शराब पीता था और अपनी लड़की को काफ़ी मारता पीटता था और उसकी लड़की की शादी उसी ने कहीं तय कर दी थी, लेकिन लड़की वो शादी नहीं करना चाह रही थी और लड़की के संबंध अपने जीजा से थे और लड़की काफ़ी अपने पिता से परेशान हो गई थी। उसके उत्पीड़न से, मारपीट से और उसके दुर्व्यवहार से और ज़बरदस्ती उसकी शादी किए जाने से और उसके जीजा से संबंध में वो बाधक भी बन रहा था, इस वजह से उसने अपने जीजा के उकसावे में आकर के अपने पिता राजकरण की सोते समय जो काफ़ी नशे में था उसकी हत्या कर दी और जिस आला कतल छुरी से उसकी हत्या की उसको सामने तालाब में फेंक दिया। उसको भी पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा जा रहा है। और शेष जो इसमें अभियुक्त उसका जीजा है जिसका नाम धर्मराज है। फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए निसन टीवी। गिरफ्तारी भी शीघ्र ही कर ली जाए। धन्यवाद।